आज उसका इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था कि अगर उसे जॉब मिल गई तो सबसे पहले वो अपने आबादी मकान को छोड़ेगा और शहर में कहीं और स्कूल इख्तियार करेगा, क्योंकि घर में रहते हुए वो अपने अब्बा की मुसलसल रोक टोक से बहुत परेशान रहता था। सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक घर में अपने अब्बा की होने वाली मगजमारी से वो तंग था। सुबह गुसल खाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो। गुसल खाने से निकले उतले फरमान होता है नल ठीक से बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पे रखा है कहीं नहीं फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने लगे तो डांट पड़ती है, पंखा बंद कर दिया और जलता छोड़ दिया। अब बंदा क्या क्या सुने जा, नौकरी मिली तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे इंटरव्यू स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। उसने देखा पैसेज की लाइट अभी तक ऑन है, उसे अनिल याद आ गया। उसने लाइट ऑफ कर दी। एक तरफ पड़े वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसने कुंडी को सही तरह से बंद कर दिया क्योंकि उसे अभी भी डांट याद आ गई थी। देखा तो बोर्ड लगा हुआ था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा, सीढ़ी की लाइट भी चल रही थी। वो उसको ऑफ करके आगे बढ़ा तो रास्ते में कुर्सी पड़ी थी, उसने उसको भी एक तरफ कर दिया। पर गया देखा तो पहले से मौजूद उम्मीदवार अपनी बारी पर अंदर जाते और फौरन बाहर निकल आते। पूछने पर मालूम हुआ कि वो एप्लीकेशन लेकर रख लेती है, कुछ पूछते नहीं है और वापस भेज देती है। उसकी बारी आने पर उसे अंदर बुलाया गया। उसने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख ली। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा कब ज्वाइन कर रहे हो। इसके सवाल पर मुझे यूं लगा आज 1 अप्रैल है और मुझे फोन बुलाया जा रहा है। मैनेजर ने महसूस कर लिया और बोला ये अप्रैल फोन नहीं हकीकत है। मैनेजर ने बताया आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से उम्मीदवारों का बिहेवियर चेक किया गया है। सभी उम्मीदवार आए, किसी ने लाइट ऑफ की ना रस्ते से कुर्सी हटाई। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके वालिदैन जिन्होंने आपको तमीज और तहजीब सिखाई। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, जितना चालाक या होशियार हो जिंदगी की दौड़ में कभी आगे नहीं बन सकता और ना काबिल भरोसा बन सकता है। सब हो जाने के बाद मैंने अपने दिल में तय किया कि घर पहुंचने पर सबसे पहले अपने वालिदैन से माफी मांगूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी मामूली बात पर उन्होंने मुझे जो दर्स दिया है उसके मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई अहमियत नहीं। जिंदगी के सफर में तालीम का ही नहीं तहजीब का भी अपना एक अलग और मुनफरिद मुकाम था।